हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिद्दीप फ्रॉम ऑनलाइन सर्वर। एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है आपके इस चैनल में। सो लास्ट वीडियो मैंने आपको कुछ 5 वर्ड्स बताए थे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाते हैं। सो आज फिर इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 और 5 वर्ड्स लेके आया हूँ, जिसे आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, क्या यूज़ है, कहाँ इसका यूज़ होता है। सो इन 5 वर्ड में पहला आपका वर्ड है, वो आपका होता है C2B, और सेकेंड वर्ड इज C2Z एंड C2B एंड फोर्थ इज G2C एंड लास्ट वन इज G2G। सो ये वर्ड्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, कहाँ पर इनका यूज़ होता है, मैं ये सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो पहला वर्ड्स है वो है आपका C2B। अब इस C2B का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। जब कोई कस्टमर किसी बिजनेसमैन से या किसी बिजनेस से अपना व्यापार करता है तो ऐसे बिजनेस को C2B कहते हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ कंपनियां जो होती हैं अपनी कंपनी से बना हुआ रॉ मटेरियल जो है गांव-गांव डोर टू डोर घरों में सप्लाई करती हैं, और जो घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो उस रॉ मटेरियल पे अपना मेहनत करके, उस पर वर्क करके उसको एक अच्छा फिनिशिंग प्रोडक्ट बना के उसको वापस कंपनी में सेल कर देती हैं। तो इस बिजनेस को, ऐसे जो बिजनेस होता है उसे C2B बिजनेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका C2G, इट मीन कस्टमर टू गवर्नमेंट। जब कोई कस्टमर गवर्नमेंट से बिजनेस करता है तो ऐसे बिजनेस को C2G कहते हैं। जैसे आपने जो है मंथली इलेक्ट्रिक बिल पे करते हो, और भी ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो गवर्नमेंट से, और भी आप जो है टैक्स वगैरह पे करते हो, तो ऐसे बिजनेस जो कस्टमर टू गवर्नमेंट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है G2B एंड इट मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब कोई गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन से या किसी बिजनेस से अपना व्यापार करती है तो ऐसे बिजनेस को G2B कहते हैं। जैसे सपोज किसी ने अपनी कंपनी बनाई, अब उस कंपनी को उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसको GST नंबर लेना होगा, तो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, उसकी जो भी फीस होगी उसको पे करना पड़ता है, और उस चीज़ को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेस को G2B कहते हैं, इट मीन गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका G2C, इट मीन्स गवर्नमेंट टू कस्टमर। जब गवर्नमेंट किसी कस्टमर से बिजनेस करती है तो ऐसे बिजनेस को G2C कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप रोड पर जाते हो तो रोड टैक्स देते हो, सर्विस टैक्स देते हो, टोल टैक्स देते हो, और आप कोई अगर डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन कराते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। जैसे सपोज़ आपने कोई किसी आइडेंटिटी कार्ड या राशन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया, देन यू विल हैव टू पे सम फीस फॉर दैट डॉक्यूमेंट। सो ऐसे बिजनेस को G2C, इट मीन्स गवर्नमेंट टू कस्टमर बिजनेस कहते हैं। उसके बाद लास्ट वन आपका है G2G, इट मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से कोई भी बिजनेस करती है तो ऐसे बिजनेस को G2G बिजनेस कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अनदर कंट्री, दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई की, मास्क सप्लाई किए, और बहुत सी ऐसी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती रहती हैं जो 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 दो गवर्नमेंट के बीच डील होती है। तो ऐसे बिजनेस को G2G मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस कहते हैं। आपने देखा होगा, आप मोबाइल का यूज़ तो सभी करते हैं, तो कभी आपने देखा होगा मोबाइल में लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, तो आपने सोचा इसमें क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो गुड्स होते हैं, ये बाहर से दूसरे देशों से अपने यहाँ इंडिया में आए सप्लाई होते हैं। तो ये बिजनेस को आप जो है G2G बिजनेस कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप दो कंट्री के बीच में ही हो बिजनेस, या आप दो स्टेट्स के बीच में भी बिजनेस होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ किसी राज्य में अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, कोई एपिडर्मिक आ गई,
तो दूसरी जो है कंट्री जो है, दूसरा सॉरी दूसरा स्टेट जो उस स्टेट की हेल्प करता है, तो ऐसी बिजनेस को जो है जी टू जी मीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस कहते हैं। सो फ्रेंड, ये कुछ 5 वर्ड्स से जो मैंने आपको बताए हैं लास्ट वीडियो में, मैंने आपको कुछ 5 वर्ड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाइए उस वीडियो को देखिए। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये ऑनलाइन सर्वर जो है आपको एक बेस्ट चीपेस्ट डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन कराना चाहते हो कि आप ही अपने बिजनेस को और भी ब्रॉड करें, ग्रो करें और अच्छे से अर्निंग करें, तो आप ऑनलाइन सर्वर से सर्विसेज लीजिए, अपनी वेबसाइट बनवाइए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन कीजिए। सो फ्रेंड, अगर आपको इसमें कुछ नया मिला हो, कुछ आपने नई चीज़ आपको सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन सर्वर को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाइए, इसको फॉलो कीजिए। इनकेस अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप जो है नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे जो है टेक्निकल सपोर्टर 24/7 आपकी सर्विस के लिए दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।